किसी सेंटेंस में वर्ब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट होता है। यदि वर्ब ही सेंटेंस में नहीं होगी तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता। इससे पहले एक वीडियो में मैं आपको वर्ब के काइंड्स के बारे में बता चुका हूँ और आज मैं यहाँ पर कुछ बेसिक वर्ब, उनका हिंदी अर्थ और उनकी फॉर्म बताने वाला हूँ। ये 250 वर्ब हैं, यानी कि 250 वर्ब हैं, जिनकी सहायता से आप अधिकतर सेंटेंस बोल सकते हैं। तो 250 वर्ब को एक ही वीडियो में सीखने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 250 वर्ब जो आपको इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो में मेरे साथ बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन अगर आपने इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए करें। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी अभी कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं कि वीडियो को लाइक भी करना है। चलिए सीख लेते हैं इन वर्ब को। इन वर्ब की बात करें तो फॉर्म की मेनली तीन फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं और सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहते हैं और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और जो आईएनजी फॉर्म होती है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इसके अलावा एस या ईएस वर्ब में लग जाती है उसे सिंगुलर फॉर्म कहते हैं या फिर फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। अब यहाँ पर वर्ब को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। पहला ग्रुप वो है यहाँ पर सेकंड और थर्ड बनाने में डी या ईडी लग जाती है किसी वर्ब के लास्ट में। तो यहाँ पर देखिए, पहला वर्ब है अब्यूज मीन्स गाली देना। सेकंड फॉर्म अब्यूज्ड। अगला है एक्यूज, आरोप लगाना, एक्यूज्ड। अगला है अकस्टम मतलब अभ्यास करना होता है। अकस्टम का मतलब अकस्टम्ड। नेक्स्ट है एक मतलब दर्द होना, एग्ड। अगला है एडमिनिस्टर का मतलब होता है शासन करना, और सेकंड फॉर्म एडमिनिस्टर्ड, थर्ड फॉर्म एडमिनिस्टर्ड। अगला है एडमिट, इसका मतलब होता है प्रवेश करना और स्वीकार करना भी होता है एडमिट का मतलब, और एडमिटेड। एड मतलब सहायता देना, एडेड। एग्री सहमत होना, एग्रीड। एनॉय चिढ़ा देना, एनॉयड। अपोलोगाइज में क्षमा मांगना, अपोलोगाइज्ड। अप्लॉड मतलब प्रशंसा करना, अप्लॉडेड। अप्लाई मतलब आवेदन करना, अप्लाइड। अप्रूव अनुमोदन करना, अप्रूव्ड। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना, अट्रैक्टेड। नेक्स्ट है बेक मतलब पकाना, बेक्ड। नेक्स्ट है बैग मतलब मांगना, बैग्ड। बैग मतलब भीख मांगना भी होता है। नेक्स्ट है ब्लेम, दोष लगाना, ब्लेम्ड। अगला है बोस्ट, गर्व करना, बोस्टेड। बोरो उधार लेना, बोरोड। नेक्स्ट है ब्रीद मतलब सांस लेना, ब्रीद्ड। BRIBE ब्राइब मतलब रिश्वत देना, ब्राइब्ड। बर्न जलाना, जलना, बर्न्ड। सेकंड थर्ड फॉर्म में इसकी सेकंड फॉर्म बर्न्ड भी हो सकती है और बर्न्ड भी हो सकती है, और थर्ड फॉर्म भी सेम है, बर्न्ड या बर्न्ड। नेक्स्ट वर्ब है कैलकुलेट मतलब गणना करना, हिसाब करना, कैलकुलेटेड। नेक्स्ट है कैरी ले जाना, कैरेड। नेक्स्ट है चीट धोखा देना, चीटेड। नेक्स्ट है चीयर प्रसन्न होना, चीयर्ड। नेक्स्ट है क्लेम दावा करना, क्लेम्ड। नेक्स्ट है क्लीन साफ करना, क्लीन्ड। और नेक्स्ट है क्लोज मतलब होता है बंद करना, क्लोज्ड। नेक्स्ट है कंबाइन मिलाना, कंबाइंड। नेक्स्ट है कंसर्न मतलब संबंध रखना, कंसर्न। उसके बाद है कन्फेस
कन्फेस मतलब होता है स्वीकार करना, कन्फेस्ड कन्फेस्ड। और नेक्स्ट है कन्फ्यूज, कन्फ्यूज मतलब गड़बड़ा जाना या दुविधा में पड़ जाना, कन्फ्यूज्ड कन्फ्यूज्ड। नेक्स्ट है कंटेन, कंटेन मतलब समाना, कंट्रोल्ड। और उसके बाद आती है कॉपी, कॉपी मतलब नकल करना, कॉपीड कॉपीड। उसके बाद है क्रीप, क्रीप मतलब रेंगना, क्रेप्ट। क्रीप मतलब रेंगना होता है। और सेकंड फॉर्म पे यहाँ पर आई ई डी नहीं लगा, ई डी नहीं लगा, यहाँ पर पी टी लग गया है, क्रेप्ट क्रेप्ट। उसके बाद है कल्टीवेट, कल्टीवेट मतलब खेत जोतना, कल्टीवेटेड कल्टीवेटेड। उसके बाद है डेयर मतलब हिम्मत करना, इसका मतलब इसका हो जाएगा डेयर्ड और डेयर्ड। नेक्स्ट है डिके, डिके मतलब सड़ना, डिकेड डिकेड। नेक्स्ट है डिक्रीज, घटना, डिक्रीज्ड डिक्रीज्ड। नेक्स्ट है डिफेंड मतलब रक्षा करना, डिफेंडेड डिफेंडेड। नेक्स्ट है डिले, देरी करना, डिलेड डिलेड। नेक्स्ट है डिटरमाइन, निश्चित करना, डिटरमाइंड डिटरमाइंड। नेक्स्ट है डाई, मरना, डाइड डाइड। नेक्स्ट है डिप, डुबाकर निकालना, इसका मतलब होता है डुबाकर निकालना, डिप का मतलब सेकंड फॉर्म डिप्ड डिप्ड। देख रहे हैं यहाँ पर डबल पी होकर, पी लास्ट वर्ड इसका लास्ट लेटर है, डबल होकर ईडी लग रहा है। जिन वर्ब के अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट होते हैं और उसके पहले वाला लेटर कोई वोवेल होता है तो उसमें उस लास्ट लेटर को डबल कर ईडी लगाया जाता है। तो डिप डुबाकर निकालना, डिप्ड डिप्ड। नेक्स्ट है डिस्टर्ब, डिस्टर्ब मतलब होता है बाधा पहुंचाना, डिस्टर्ब्ड डिस्टर्ब्ड। उसके बाद आता है डिवाइड, डिवाइड मतलब बांटना, डिवाइडेड डिवाइडेड। उसके बाद ड्रैग मतलब घसीटना, ड्रैग्ड ड्रैग्ड। नेक्स्ट है अर्न कमाना, अर्नड अर्नड। नेक्स्ट है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब नियुक्त करना, एम्प्लॉय मतलब नियुक्त करना, एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड। नेक्स्ट है एनकरेज, एनकरेज मतलब होता है उत्साहित करना, एनकरेज्ड इनक्रेज्ड। नेक्स्ट है एंटरटेन, एंटरटेन मतलब मनोरंजन करना, एंटरटेन्ड एंटरटेन। नेक्स्ट है एक्साइट, एक्साइट मतलब उत्तेजित करना या होना, एक्साइटेड एक्साइटेड। नेक्स्ट है एक्सप्लोड, एक्सप्लोड मतलब होता है विस्फोट होना, एक्सप्लोडेड एक्सप्लोडेड। नेक्स्ट है एक्सप्लोर मतलब अनुसंधान करना, खोज करना, एक्सप्लोर्ड एक्सप्लोर्ड। एक्सटेंड मतलब होता है बढ़ाना फैलाना, एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड। अगला वर्ड है, थोड़ा सा साफ दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर, ग्रांट, ग्रांट मतलब स्वीकार करना, जी आर ए एन टी, ग्रांट मतलब स्वीकार करना, ग्रांटेड ग्रांटेड। नेक्स्ट है जी यू ई डब्ल एस, गैस, गैस मतलब अनुमान लगाना, गेस्ट गेस्ट। नेक्स्ट है एच ई ए एल, हील, हील मतलब घाव भरना, हील्ड हील्ड। नेक्स्ट है एच ई ए आर, हियर, हियर मतलब सुनना, हर्ड हर्ड। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में हर्ड, हियर के सेकंड फॉर्म में हर्ड बोलेंगे, थर्ड फॉर्म में हर्ड बोलेंगे, ना कि हियर बोलेंगे। नेक्स्ट है हेजिटेट, एच ई एस आई टी ए टी ई, हेजिटेट मतलब संकोच करना, हेजिटेटेड हेजिटेटेड। हेजिटेट के बाद आता है यहाँ पर हिंडर, हिंडर मतलब विघ्न डालना, हिंडर्ड हिंडर्ड। नेक्स्ट है हायर, एच आई आर ई, हायर मतलब भाड़े पर लेना, हायर्ड, और सेकंड फॉर्म भी हायर्ड होगी। उसके बाद आता है हिट, हिट मतलब मारना पीटना, इसकी तीनों फॉर्म एक सी होती हैं, हिट हिट हिट। नेक्स्ट है हर्ट मतलब चोट पहुंचाना, हर्ट हर्ट। अगला है इमिटेट मतलब नकल करना, इमिटेटेड इमिटेटेड। नेक्स्ट है इंक्लूड मतलब सम्मिलित होना, इंक्लूडेड इंक्लूडेड। उसके बाद आता है अगला इंक्रीज मतलब बढ़ाना बढ़ना, इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होगा इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड। नेक्स्ट है इंटेंड, इंटेंड मतलब इरादा करना, इंटेंडेड इंटेंडेड। नेक्स्ट है इंटरप्ट, जॉइन मतलब सम्मिलित करना, जॉइंड जॉइंड। नेक्स्ट है जंप, जंप मतलब होता है कूदना, जंप्ड जंप्ड। नेक्स्ट होता है कीप मतलब रखना पालन करना, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होगी कैप्ट कैप्ट, एक ई यहाँ से कम होकर हो रहा है कैप्ट कैप्ट। नेक्स्ट है निट, के एन आई टी, निट मतलब बुनना, और सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में देखो यहाँ पर फिर देखिए लास्ट लेटर टी है एक कॉन्सोनेंट और उससे पहले आई वोवेल दिया है, इसलिए यहाँ पर निट यानी कि डबल टी हो रहा है, लास्ट का लेटर टी डबल हो रहा है, निटेड और निटेड। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में ईडी लगाते समय लास्ट का लेटर डबल हो जाता है जब लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट और उससे पहले वोवेल होता है। तो
और आगे देखिए निट, निट के बाद है नॉट, के एन ओ टी नॉट मतलब गांठ लगाना, नॉटेड नॉटेड। नेक्स्ट है लर्न, सीखना, लर्नड भी होता है और लर्नड भी होता है सेकंड थर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट है लेट मतलब अनुमति देना, सेकंड थर्ड फॉर्म में लेट लेट होगा, तीनों फॉर्म में एक है ये। इसके बाद है लिशन मतलब सुनना, लिशनड लिशनड। लिव, लिव मतलब जीना रहना, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में लिव्ड लिव्ड। आगे है मैनेज, मैनेज मतलब व्यवस्था करना, मैनेज्ड मैनेज्ड। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर मतलब उत्पादन करना, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाएगी, मैन्युफैक्चर्ड मैन्युफैक्चर्ड। नेक्स्ट है मेल्ट, MELT मेल्ट, मेल्ट मतलब पिघलना या पिघलाना, मेल्टेड मेल्टेड। नेक्स्ट है मिक्स, मिलाना, मिक्स्ड मिक्स्ड। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई, गुणा करना, मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, लास्ट का लेटर अगर बाई होता है और बाई से ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया है तो उस कंडीशन में हम बाई को आई में बदलते हुए ईडी लगाते हैं, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है MULTIPLIED मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड। नेक्स्ट है नीड मतलब आवश्यकता होना, नीडेड नीडेड। नेक्स्ट है ओबे, आज्ञा मानना, ओबेड ओबेड। नेक्स्ट है ओमिट मतलब छोड़ देना, ओमिटेड। यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, लास्ट लेटर यहाँ पर क्या है टी, उससे पहले आई कॉन्सोनेंट दिया है, वॉवेल दिया है, इसलिए डबल टी होकर ईडी लग रहा है, ओमिट ओमिटेड ओमिटेड। नेक्स्ट है ओ, ओ डब्ल्यू ई ओ मतलब ऋणी होना, ओब्ड ओब्ड। नेक्स्ट है पे, चुकाना, पी ए आई डी पेड और पेड। और नेक्स्ट है प्लीज, प्रसन्न करना, प्लीज्ड प्लीज्ड। नेक्स्ट है प्रीफर, अधिक पसंद करना, प्रीफर्ड प्रीफर्ड। नेक्स्ट है पब्लिश, प्रकाशित करना, पब्लिश्ड पब्लिश्ड। नेक्स्ट है पुट, रखना, पुट पुट, तीनों फॉर्म में एक रहेगी। नेक्स्ट है क्विट, छोड़ना, ये भी तीनों फॉर्म में एक रहेगी, क्विट क्विट। नेक्स्ट है रेन, रेन मतलब वर्षा होना, रेंड रेंड। नेक्स्ट है रीच, पहुँचना, रीच्ड रीच्ड। नेक्स्ट है रेड्यूस मतलब कम होना या कम करना, सेकंड थर्ड फॉर्म में भी रेड्यूस्ड और रेड्यूस्ड होगी। उसके बाद है रिपेयर, REPAIR रिपेयर मतलब सुधारना, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में रिपेयर रिपेयर। नेक्स्ट है रिप्लाई मतलब उत्तर देना, रिप्लाइड रिप्लाइड। नेक्स्ट है रिड, मुक्ति पाना, रिड रिड। नेक्स्ट है रोड, ROAR रोर मतलब दहाड़ना, रोड रोड। नेक्स्ट है रॉब, रॉब मतलब लूटना, रोब्ड और रोब्ड। देखिए इसी से, इसी वर्ड से बना है रोबर मतलब लुटेरा। नेक्स्ट है रोल, लुड़काना, रोल्ड रोल्ड। नेक्स्ट है रब, रगड़ना, रोब्ड रोब्ड। नेक्स्ट है से, कहना, सेकंड फॉर्म में SAID हो जाएगा, सैड सैड, सेकंड और थर्ड में। और नेक्स्ट है सीज, SEIZE सीज मतलब जब्त करना, हथियाना, सीज्ड सीज्ड। नेक्स्ट है सर्व, सेवा करना, परोसना, और सब्ड सब्ड। नेक्स्ट है सेट मतलब जमाना, अस्त होना, तीनों फॉर्म में एक है, सेट सेट। नेक्स्ट है शेड, SHED शेड मतलब बिखराना, बहाना, शेड शेड। शट मतलब बंद करना, ये भी तीनों फॉर्म में एक है, शट शट। नेक्स्ट है साइन, SIGN साइन मतलब हस्ताक्षर करना, साइंड साइंड। उसके बाद है सिग्नल, संकेत करना, सिग्नल्ड सिग्नल्ड। नेक्स्ट है स्प्लिट, स्प्लिट मतलब फाड़ना। नेक्स्ट, इसकी तीनों फॉर्म एक होंगी, स्प्लिट स्प्लिट। और नेक्स्ट है स्प्रेड मतलब फैलाना, स्प्रेड स्प्रेड, ये भी तीनों फॉर्म में एक है। नेक्स्ट है स्टिर मतलब नॉक से घुमाना या हिलाना, स्टिर्ड स्टिर्ड। नेक्स्ट है स्टडी, अध्ययन करना, स्टडीड स्टडीड। नेक्स्ट है सप्लाई, प्रदान करना, सप्लाइड सप्लाइड। नेक्स्ट है टॉक, बात करना, टॉक्ड टॉक्ड। उसके बाद है टैप, TAP टैप मतलब थपथपाना, टैप्ड टैप्ड। नेक्स्ट है थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब घुसाना, थ्रस्ट थ्रस्ट, तीनों फॉर्म में एक है। नेक्स्ट है ट्रेवल, ट्रेवल मतलब यात्रा करना, ट्रेवल ट्रेवल। नेक्स्ट है ट्राई, ट्राई मतलब कोशिश करना, ट्राइड ट्राइड। फिर है यूनाइट, यूनाइट मतलब संगठित होना, यूनाइटेड यूनाइटेड। नेक्स्ट है वेरी, वेरी मतलब बदलना, वेरीड वेरीड। नेक्स्ट है वेरीफाई, जांच करना, वेरीफाइड वेरीफाइड। अगला है वॉश, धोना, वॉश्ड वॉश्ड। नेक्स्ट है वेव, हिलाना, वेव्ड वेव्ड। नेक्स्ट है वर्क, कार्य करना, वर्कड वर्कड। नेक्स्ट है वरी, चिंता करना, वरीड वरीड।
नेक्स्ट है यॉन, बाई ए डब्ल्यू एन, झम्भाई लेना, यॉन्ड यॉन्ड। नेक्स्ट है यील्ड, बाई आई ई एल डी, यील्ड मतलब उत्पन्न करना, यील्डेड यील्डेड। अब देखिए यहाँ पर वीक फॉर्म वर्ब हैं जहाँ पर डी की जगह पर टी हो जाता है सेकंड थर्ड फॉर्म में। देखिए यहाँ पर बेंड झुकना झुकाना, बेंट बेंट हो रहा है डी की जगह टी। फिर है बिल्ड बनाना, बिल्ट बिल्ट। फिर है लैंड उधार देना, लेंट लेंट। नेक्स्ट है सेंड भेजना, सेंट सेंट। नेक्स्ट है स्पेंड खर्च करना, स्पेंट स्पेंट। अब देखिए ये जो फॉर्म है इनमें क्या हो रहा है, ये आई का ए हो रहा है सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में यू हो रहा है। एस पी आर आई एन जी स्प्रिंग उछालना, और स्प्रेंग और स्प्रंग, एस पी आर ए एन जी स्प्रेंग और एस पी आर यू एन जी स्प्रंग। नेक्स्ट है स्टैंड खड़े होना, सेकंड फॉर्म एस टी डब्ल्यू डी डबल ओ डी स्टूड और थर्ड फॉर्म में स्टूड। इनके बीच के वोवेल चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट है स्विम तैरना, स्वयं और स्वम, एस डब्ल्यू ए एम स्वयं और थर्ड फॉर्म में एस डब्ल्यू यू एम। नेक्स्ट है विन जीतना, सेकंड फॉर्म वॉन, थर्ड फॉर्म भी वॉन। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो वर्ब हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब माना जाता है इन्हें, इनमें एन या ई एन जोड़ने से परिवर्तन हो रहा है। अराइज सेकंड फॉर्म अरोज है, थर्ड फॉर्म में अराइजन आ रहा है, ई एन लग रहा है। नेक्स्ट है बिड आज्ञा देना, बोली लगाना, सेकंड फॉर्म में बी ए डी ई बेड, थर्ड फॉर्म में बी आई डबल डी ई एन बिडन। नेक्स्ट है बीट पीटना, सेकंड फॉर्म में बीट बी ई ए टी होगा सेकंड फॉर्म में, लेकिन इसका उच्चारण बैट होगा, सेकंड और फर्स्ट एक है, थर्ड में बीटन हो जाएगा। नेक्स्ट है वियर पहनना, सेकंड फॉर्म वोर हो जाएगा डब्ल्यू ओ आर ई, थर्ड फॉर्म डब्ल्यू ओ आर एन हो जाएगा वॉन। नेक्स्ट है वीव बुनना, कपड़े बुनने को बोला जाएगा वीव, और सेकंड फॉर्म वो, थर्ड फॉर्म वूवन। नेक्स्ट है राइट लिखना, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्लस वीक फॉर्म के रूप में मिश्रित वर्ब हैं ये, मिली हुई जुली वर्ब। बीट बीट बीटन, फिर से दे दिए वो वर्ब, बीट बीट बीटन पीटना, बीट की सेकंड फॉर्म भी वही है और थर्ड फॉर्म बदल गई। डू करना, डिड और डन। स्पिन कातना, स्पेन हो सकता है, एस पी यू एन स्पन भी हो सकता है सेकंड में और थर्ड में एस पी यू एन होगा। नेक्स्ट है शो दिखाना, शोब्ड हो जाएगा ई डी लगा के और थर्ड फॉर्म एस एच ओ डब्ल्यू एन हो जाएगा शोन। अगला है सो बोना, बीज बोना, तो यहाँ पर एस डब्ल्यू ओ एस ओ डब्ल्यू ई डी सोब्ड, थर्ड फॉर्म में सोन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आगे क्या दिया है, कुछ वर्ब के दो रूप होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग की तरह और दूसरा वीक की तरह। जैसे कि अवेक जागना, इसका स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है अवोक और सेकंड फॉर्म इसकी अवेक्ड ईडी लगने से भी बन सकती है और थर्ड फॉर्म अवेकन हो रहा है और यहाँ अवेक्ड भी हो सकता है। क्रो, क्रो मतलब बांग देना और इसका सेकंड फॉर्म सी आर ई डब्ल्यू क्रू भी हो सकता है और क्रोडेड भी हो सकता है, क्रोप्ड भी हो सकता है और थर्ड फॉर्म क्रोप्ड भी होगा। और अगला है हैंग लटकाना, फांसी देना और इसका सेकंड फॉर्म एच यू एन जी भी हो सकता है और एच ए एन जी ई डी भी हो सकता है और इसकी थर्ड फॉर्म एच ए एन जी हो सकती है और एच ए एन जी ई डी भी हो सकती है। यहाँ पर थ्राइव मतलब फलना फूलना, सेकंड फॉर्म थ्रोब हो जाएगी और थ्राइव्ड भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म थ्राइबन भी हो सकती है और थ्राइव्ड भी हो सकती है। नेक्स्ट है वेक जगना और सेकंड फॉर्म वोक हो सकती है और वेक्ड भी हो सकती है और थर्ड फॉर्म वोक हो सकती है और वेक्ड भी हो सकती है। तो ये थी 250 वर्ब की फॉर्म, इनसे लगभग इंग्लिश का हर एक सेंटेंस आप बोल सकते हैं और मुझे लगता है कि ये आपको ये 250 वर्ड्स वर्ब्स फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये फॉर्म्स आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए करें। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।